आप ही, तुम्हें क्या जरूरत थी उसे सारी कहानी बताने की? वाह भाई, क्यों ना बताती? उसे भी तो अब्बू की करतूतों के बारे में पता होना चाहिए था ना। उसे तो मैंने बोल दिया कि अब घर की सारी जिम्मेदारी तुम उठाओगे, अम्मी से काम नहीं होता। पर वो तो बहुत ही ठीक है, कहता है कि मैं तो किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, मैं तो सिर्फ अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा बस। कौन सी फैमिली? वो ही फैमिली जो अभी तक हुई भी नहीं है। लेकिन मुझे तो साफ समझ में आ गया था ये किसकी बातें कर रहा है। ये ना नीलों के चक्करों में फिर से पड़ गए, उसी की बात बता रहा था मुझे। कमबख्त। आप ही प्लीज अब इस रिश्ते की मुखालफत मत करना, करने दो उससे शादी। यूं ही? हाँ, शायद नीलों की वजह से वो अपनी जिम्मेदारी समझ ले और कोई काम करना शुरू कर दे। आप ये बात क्यों नहीं समझ लेती? हो सकता है किस्मत भी उन्हें मिलाना चाहती हो। किसकी कॉल है? सोया की। अच्छा सुनो, उससे बात करो और उसे बताना कि अम्मी की तबीयत ना बहुत खराब है और मैं यहीं पे हूँ, अम्मी का बहुत ख्याल रख रही हूँ। चलो चलो बताओ उसे। हेलो। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं अम्मी के साथ हूँ, अम्मी का बीपी शूट कर गया था। नहीं नहीं तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है, आप ही हैं मेरे साथ। ठीक है, खुदा हाफिज़। आ रही है ना वो? हाँ हाँ, अम्मी का सुन के परेशान हो गई है, बस वो भी आ रही है। सुना है करे।